लेकिन आजकल वो सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम में खत्म हो चुका है। सब लोग स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, हमको क्या मिलेगा, हम डॉक्टर बनेगा, हम इंजीनियर बनेगा, हम वकील बनेगा, हम IAS में जाएगा, इसको सोच के ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो ये सब में परिवर्तन आने का जरूरत है, लेकिन जब तक ऐसा ओल्ड एज पर्सन्स को टेक केयर करने के लिए somebody should be there, किसी को इनिशिएटिव लेना है ना, तो वी टुगेदर फाउंडेशन ने वो इनिशिएटिव लेके इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स में एक सिस्टम बना के रखा है। इनकम का ज़्यादा सोर्स नहीं है, कैसे हुसैन साहब ने बोला, ठीक है पिपरी कॉरपोरेशन से कुछ सब्सिडी मिलता है, लेकिन उसे तो कैसे चलेगा, नौ स्टाफ है, उसको तो मिनिमम तनख्वाह देना पड़ेगा ना, नहीं तो वो भी कल नौकरी छोड़ के चले जाएगा ना, उसका भी फैमिली है, उनका भी रिक्वायरमेंट है, कितना भी सोशल सर्विस हो फिर भी सबका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होता है, इसीलिए ये सब सोचने का विषय है। इसमें सरकार का ज़्यादा जिम्मेदारी होना चाहिए, ठीक है सरकार सब जगह में ये सब करना, आज का परिस्थिति में सरकार खुद बोल सकता हमारा कैपेसिटी का बियॉन्ड, लेकिन ऐसा एक फाउंडेशन कुछ लोग मिलके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो लोग सोसाइटी के लिए एक सेवा करने के लिए आ रहा है,